हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस वर्ल्ड। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बट कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। दस द टोटल सम ऑफ ऑल द एनर्जी इन द यूनिवर्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट। एग्जाम्पल, हीट इंजन कन्वर्ट्स हीट इन एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी। जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल सेल्स ट्रांसफॉर्म केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक्सेट्रा। जब भी कोई एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है, तब कुछ पार्ट एनर्जी का ऐसा रहता है जो किसी यूजफुल वर्क में नहीं कन्वर्ट हो पाता है। एनर्जी का वो पार्ट जो वेस्ट हो जाता है, उसे कहते हैं डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, एडी करंट आर प्रोड्यूस्ड इन द कोर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। दिस करंट इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। व्हेन अ ट्रेन रन्स एंड इट इज स्टॉप्ड बाय पुलिंग अ चेन, देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ट्रेन इज वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, एंड सो टू स्टार्ट द ट्रेन एनर्जी हैज टू बी सप्लाइड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ बॉडी और सिस्टम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन द एब्सेंस ऑफ डिसिपेटिव फोर्सेज। इसमें जो वर्ड आया कंजर्वेटिव फोर्सेज, उसका मतलब ये है कोई भी फोर्स कंजर्वेटिव तब कहलाएगा जब उसके द्वारा किया गया वर्क या उसके अगेंस्ट किया हुआ वर्क किसी बॉडी को मूव कराने के लिए उसकी इनिशियल और फाइनल पोजिशन में ही डिपेंड करे, ना कि उस पाथ में जिस पाथ से वो अपनी इनिशियल पोजिशन से फाइनल पोजिशन में आया हो। एग्जाम्पल्स, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। कंसिडर करते हैं कोई बॉडी जिसका मास m हो, वो एक पॉइंट a पे है, जो जिसकी हाइट जो है h है अर्थ सरफेस से। उस पॉइंट a से वो ऑब्जेक्ट ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर रही है, तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट a। पॉइंट ए में बॉडी रेस्ट पे है, तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी। उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो। एंड पोटेंशियल एनर्जी यू इज इक्वल्स टू एम जी एच। टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट ए इज इक्वल्स टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल्स टू ई ए इज इक्वल्स टू एम जी एच। नाउ टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। When the body falls freely under gravity, its velocity increases and the height above the surface of the earth decreases. Let point B in its path be such that AB is equals to X and its height above the ground is equals to H minus X. AC की height H है और AB की height X है, तो BC की height H minus X होगी। So potential energy of the body at B, U is equals to mg h minus x। अगर point B में उस body की velocity v1 होगी, तो by the equation v square is equals to u square plus 2gh, v1 square is equals to 2gx। So kinetic energy of the body at B, k is equals to half m v1 square। On putting value of V1 square, we get kinetic energy K is equals to mgx. Thus, total energy at B, EB is equals to kinetic energy plus potential energy. On putting value of kinetic energy and potential energy, we get total energy at B, EB is equals to mgh. Total energy at point C. पॉइंट सी अर्थ सरफेस में है, तो उस बॉडी की हाइट अर्थ सरफेस से अब ज़ीरो है। पॉइंट सी में उसकी हाइट ज़ीरो हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट सी, यू इज इक्वल्स टू एम जी एच। यहाँ एच की वैल्यू ज़ीरो है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो हो जाएगी। अगर उस बॉडी की वेलोसिटी वी टू है पॉइंट सी पे, तो इक्वेशन वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच से हमें वी टू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, वी टू स्क्वायर इक्वल्स टू टू जी एच। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट सी, के इज इक्वल्स टू हाफ एम वी टू स्क्वायर। ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ वी टू स्क्वायर, वी गेट के इज इक्वल्स टू एम जी एच। सो टोटल एनर्जी एट सी,
EC is equals to sum of kinetic energy and potential energy. On putting value of kinetic energy and potential energy, we get EC is equals to MGH. Equation 1, 2 or 3 से ये clear है कि total mechanical energy of a body falling freely under gravity remains constant.